अनीता कैसा हुआ आप लोगों का पेपर या साइंस का पेपर कैसा? अच्छा गया। जैसा एक्सपेक्ट किया वैसे ही पेपर आया था? मुश्किल आया था? नहीं, हार्ड ही आया था। इजी आया था। तो कितने एक्सपेक्टेड, कितना एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो? आ जाएंगे 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे? 75 और तीनों भी आ जाएंगे। ठीक है। और जो सैम्पल पेपर आया था उस लेवल का पेपर था या उससे? मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे आया था। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आप आ जाओ। हाँ, अंकल से बात कर लेता हूँ मैं। आप किसके? अच्छा, ऋषि। हाँ, तो ये ऋषि का के डैड हैं। तो आप बता सकते हो, आप मतलब पेरेंट्स, उनका तो पता कर दिया मैंने, तो पेरेंट की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दो कि वो डर रही थी कुछ ऐसा था तो आप? देखिए, देयर इज ऑलवेज टेंशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम का हमेशा एक प्रेशर रहता है, बट हमने बच्चों को बोला हुआ है कि मार्क्स के पीछे मत भागो। बिल्कुल, नॉलेज के पीछे भागिए, नॉलेज आएगी, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। हमने इनको मार्क्स की टेंशन में नहीं रखा। तो सही है, यही मतलब यही सबको, आई थिंक यही सबको फॉलो करना चाहिए कि छोड़ दो रिजल्ट के बारे में मत सोचो, प्रिपेयर करो, बाकी देखी जाएगी। क्योंकि आगे नॉलेज का हमारे मार्क्स पे, मार्कशीट को हम मिलेगी। और सीबीएसई ने भी ग्रेडिंग किया, सब कुछ किया। सीबीएसई भी परसेंटेज नहीं लिखती है मार्कशीट पे, ओनली मार्क्स लिखती है, दैट इज मार्कशीट। बस बस काफी है। आपका नाम? जितेंद्र कुमार। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।